हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेज। आप देख रहे हैं वितेज फन वगैरह टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ओप्पो का हेडफोन सेट है और उसका सिक्योरिटी लॉक लग गया हो, मतलब कि FRP लॉक, तो उस FRP लॉक को आप कैसे अनलॉक करेंगे वो मैं आपको इस तरीका जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं ओप्पो FNS का FRP अनलॉक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये ओप्पो का FNS है जो कि अब नई सिक्योरिटी के साथ ये FRP लॉक हो जाता है। अगर आपका पैटर्न लॉक इसमें भूल जाते हैं बाई चांस, तो ये FRP लॉक हो जाएगा। मतलब आप इसको अगर रीसेट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने कोड भूल गया है। तो इस कंडीशन में देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर ऑफ़ कर लेते हैं। पावर ऑफ़ हो जाए तो जब आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा तो आपको करना क्या है, देखिए। अगर आपको रीसेट करने जाते हैं, सोचते हैं कि हम इस तरह से आप खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो देखिए ओपन नहीं होगा। हम नीचे का वॉल्यूम और पावर की और होम बटन नहीं भी दबाएंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, वॉल्यूम डाउन और पावर की को लॉन्ग प्रेस करना है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। देखिए, यह मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ, पावर छोड़ देता हूँ, सब छोड़ दीजिए। ये फिर थोड़ी देर बाद अपना बूट होगा। बूट होने के बाद देखिए, ये इस तरह से फैक्ट्री मोड में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रुकिए। अभी देखिए, यहाँ पे इंग्लिश लिख के आ रहा है, हम इसको टैप करते हैं। जैसे हम इसको टैप करते हैं, यहाँ पे आपको कई ऑप्शन आ जाएंगे, वाइप, रिबूट। तो वाइप पे जाते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं, ये करते हैं, आप सब कर ही रहे होंगे। ये होने के बाद यहाँ पे आपको आ रहा होगा ऑप्शन। अब देखिए, हम इसको रिबूट करेंगे यहाँ से। रिबूट करने के बाद हम इसको रिबूट कर देते हैं यहाँ पे एक बार और, चलिए आपकी संतुष्टि लिए कर देते हैं। बार बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन अब हम इसको रिबूट करते हैं। जब हम रिबूट करेंगे तो रिबूट होने के बाद ये ओप्पो लिख के आएगा। यहाँ पे देखिए, आपको ओप्पो लिख के आ गया है। क्योंकि ये वीडियो मैं बना के उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तो वॉइस में आपको दे रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ओप्पो इस तरह से आ रहा है। अब ओप्पो लिख के आने के बाद जब ये प्रोसेस में जाएगा तो फिर ये पैटर्न ही लॉक मांगेगा। तो देखिएगा अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा इसलिए मैं आपको लंबे बता रहा हूँ क्योंकि आप पूरे तरीके से समझ सके। ये देखिए, यहाँ पर पैटर्न लॉक फिर आ गया है। तो इसका मतलब है कि आप इसको जो है अनलॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये पैटर्न लॉक लगा है। जीमेल तो बाद की बात है, जीमेल बाद में आएगा। तो चलिए, अब हम इसको अनलॉक करने के लिए पीसी की हमें एक ज़रूरत पड़ेगी और एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो टूल्स मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये है मिरेकल बॉक्स का क्रैक वर्जन थंडर एडिशन। ये मेरा नहीं है, क्रैक बाई, और आप ये देख सकते हैं, प्रीमियम पावर है। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं लिंक होम में दे सकता हूँ, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये देखिए, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए, ओप्पो A16 है, आपको जाना है MTK पर, सर्विस पर, रीड इन्फो पर और ओप्पो F3A77 पे। आप ओप्पो A77 इसलिए जा सकते हैं कि ये कई फॉर्मेट में, मतलब कई सपोर्ट करता है, कई फाइलों को सपोर्ट करता है, कई मॉडलों को सपोर्ट करता है, और A16 पे भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको, अब आपको USB को कनेक्ट करना है। अब देखिए, USB कैसे आप कनेक्ट करेंगे, वॉल्यूम अप को आपको प्रेस करना है, वॉल्यूम अप, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है, दोनों वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को करना है। वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप को दोनों को लॉन्ग, पहले तो स्विच ऑफ करें, पहले स्विच ऑफ ही ऑफ नहीं मेरा। तो देखिए, मैं पहले इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ, स्विच ऑफ करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा फ़ोन यहाँ पर स्विच ऑफ नहीं था, तो देखिए मैं स्विच ऑफ करता हूँ, फिर से करता हूँ, ये मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। और थोड़ी सी वीडियो सर दोस्तों अंधेरा है, लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं आपको एकदम प्रॉपर बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, कनेक्ट किया हूँ, ये हो गया आपका, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब वॉल्यूम अप और डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, USB डालेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। देखिए, दोनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके USB इंसर्ट करेंगे। देखिए, ये दोनों है, मैं दिखा रहा हूँ, ये और USB कनेक्ट है, वहाँ पर देखिए कनेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे प्रोसेस होने लगा, ये लास्ट प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस होने लगेगा, आपको देखिए दिख रहा है, प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस होने के बाद आपका यहाँ पे जो भी मॉडल होगा दिखाएगा, कभी कभी नहीं भी दिखाता है। लेकिन इस प्रोसेस के बाद आपको करना क्या है, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक प्रोसेस जब हो जाएगा तो इसमें आपको एक और प्रोसेस करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर यहाँ तक ये हो गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है। फिर से आपको ये देखिए दिख रहा है, मैं आपको लॉन्ग बड़ा करके दिखा दूँ, जूम करके दिखा दूँ,
अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, दोबारा पहली बार हो गया है, 100 हो गया है। अब यहाँ पे कुछ शो करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से सेल मोड हटा के ये कर दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपको 8 बूट ले रहा है, पहले 4th लेता था ऑटो, अब ये 8 लेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से इसको कनेक्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ये वैसे वहाँ से कनेक्ट करने पर ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये क्रैक वर्जन है तो हम इसको यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दे रहा है अल्टरनेटिव, नो कर दीजिए। अब वॉल्यूम अप और पावर, वॉल्यूम अप डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और उसके बाद यूएसबी इंसर्ट करेंगे। देखिए लिख रहा है यहाँ पर वेटिंग फॉर यूएसबी, यहाँ देखिए कनेक्ट टू दिख रहा है, बूट लोडिंग बूट 18। अब ये पूरा प्रोसेस में जाएगा, अब देखिए यहाँ पे यू सब प्रोसेस में जा रहा है। अब देखिए इस तरह से एक फॉर्मेट आ जाएगा। दोस्तों ये सब होने में कभी कभी टाइम भी लगता है, लेकिन फॉर्मेट यही है, एक बार लगे दो बार लगे, कभी कभी आपका जैक हो सकता है गड़बड़ हो और डिवाइस कनेक्ट ना हो सही से, लेकिन अगर किसी का जैक एकदम परफेक्ट होगा तो वो एकदम हो जाएगा, टेंशन जरूरत नहीं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या तरीका लिखा है, नीचे लास्ट में लिखा है। अब आप यूएसबी को बाहर निकाल दीजिए, यूएसबी बाहर निकाल के जब आप फ़ोन को ऑन करेंगे, ये देखिए दोस्तों आप एक बार दो बार तीन बार जरूर करिएगा, यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से होगा। आपको देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जब आपको यहाँ पे करना होगा, देखिए मैं ऑन कर दे रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल फ़ोन को, फ़ोन मेरा कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों ये मैंने ऑनलाइन ही सीखा है और इसलिए आपको अपने तरीके सिखा दे रहा हूँ कि आसानी से आप सीख लीजिए, कोई कट वट नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है, तो सबसे पहले बात क्या, आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दोनों को लॉन्ग प्रेस करना है, यूएसबी इंसर्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर आप जब कनेक्ट कर देंगे तो ये फिर आपका लास्ट प्रोसेस रहता है। आपको मिरेकल का क्रैक वर्जन डाउनलोड करना होगा, बहुत ही आसान है, इससे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को बनाया है, मैं भी बना रहा हूँ। ये क्या है कि ओप्पो बहुत ही FNS बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन ये इसका न्यू तरीका है, न्यू ट्रिक है, इसलिए मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको कनेक्ट करना है तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पहले MTK पे जाना है, सर्विस पे जाना है, बाद में दूसरा जो फॉर्मेट पे जाना है, फिर सेफ मोड से हट के नीचे एडवांस में आना है, सब अपने आप ले लेगा, पर आप मेरा प्रोसेस देख लीजिएगा वीडियोस जो है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि जब फॉर्मेट होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियोस को अगर आपका पसंद आ जाए इसको वीडियो को, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत लोगों के पास, जिसके पास ओप्पो F1S होगा, वो अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। और मिरेकल बॉक्स जो है ये आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड होगा लिंक से तो डाउनलोड कर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन आप लिखेंगे मिरेकल बॉक्स थंडर एडिशन वर्जन 2.80 क्रैक बाय GSM X, तो इनकी ये जो जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए बाय GSM X टीम से है ये, मेरा एप्लीकेशन नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये आपका जो है ऑन हो गया, इस तरह से आपका ओप्पो F1S ऑन हो गया मिनटों में, लेकिन नॉर्मल वे पे आपका नहीं होगा। कोई और दूसरी फालतू वीडियो देखने से अच्छा है कि आप इस तरह की वीडियोस देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन MTK रेट, दूसरा ऑप्शन फॉर्मेट, तो MTK पे ही करना है क्योंकि MTK डिवाइस है, MediaTek डिवाइस। तो मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करिए। और ये बहुत ही आसान वीडियो है, आप देख लीजिए, कनेक्ट करना है, वॉल्यूम अप डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स ये था ओप्पो का F1S सेट, और आपने इसको अनलॉक कर लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो क्रैक वर्जन है, क्योंकि ये मिरेकल से खुलता है इसलिए ये क्रैक वर्जन का जो है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया होगा, और ये हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, और हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ये काम आया था तो मैंने भी आपको ऑनलाइन से सीख के आपको बताया है अपने तरीके से, तो आप इसको अच्छे से सीख के अपने फ़ोन को FRP अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि मिरेकल जो होता है वो बॉक्स आता है, टूल्स होता है, और वो उस लगभग आपका 5 से 8 हज़ार रुपये के रेंज में आता है। तो अगर आपको इसका कंप्लीट वर्जन लेना होगा तो आप किसी भी वेबसाइट से कहीं से भी आप ले सकते हैं, हम बेचते नहीं हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये चीज़ जो है आप कर सकते हो, ये आप जान सकते हो कि मिरेकल बॉक्स से क्या क्या होता है। मिरेकल बॉक्स से आप सैमसंग के भी फ़ोनों को फॉर्मेट कर सकते हो, उसमें भी फ्लैश टूल्स चढ़ा सकते हो, ओप्पो वीवो MI के भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, वो भी कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि इस तरीके से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मेरे चैनल के थ्रू अगर आपने सीखा है ओप्पो F1S
अनलॉक करना ये FRP, क्योंकि गूगल FRP अनलॉक करना इतना आसान नहीं होता है नॉर्मल लोगों के लिए। तो ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए बताता हूँ, एक्सपर्ट भी सीख सकते हैं। और मैं बता दूँ कि मैं एकदम हमें जो है ना हम लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, हम लोग भी सीखते हैं और सिखाते हैं। तो मैंने भी सीखा है और आपको सिखा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे मेरे वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।